दोस्तों, जब भी आप अपने पेटीएम के अंदर बैंक बैलेंस चेक करने जाते होंगे तो आपको इस तरीके का नीचे देख सकते हैं एरर आ जाता होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सेम टाइम। यहाँ पे इस तरीके से आता होगा, आप बार बार क्लिक करते होंगे लेकिन ये आपका बैंक बैलेंस चेक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसी तरीके से एरर आ जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी पेटीएम से आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं उसकी प्रॉब्लम 1% या 110% सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने पेटीएम से बाहर निकलना है और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसका सिंपल से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर के अंदर, यहाँ पर आपको सर्च करना है पेटीएम। ये देखना है पेटीएम आपका अपडेट है कि नहीं, अगर आपका अपडेट है तो अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन लिखा है, वहाँ अपडेट का ऑप्शन होगा तो अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा यू आर ए बीटा टेस्टर, यहाँ लिप जहाँ लिखा है यहाँ ज्वाइन का बटन होगा, यहाँ से सीधा आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बीटा टेस्ट में कोई भी एप्लीकेशन ले लेते हैं तो उसका लेटेस्ट अपडेट या कोई बग आपको ख़त्म कर दिया जाता है, बग और लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चलना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे मॉल की सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढूंढना है ऐप्स या फिर मैन ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया, मैनेज ऐप भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपका फ़ोन और रेडमी वगैरह का, ठीक है, उसमें मैनेज ऐप भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डालना है पेटीएम, ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसे आप यहाँ से फोर्स स्टॉप कर दीजिए, परमिशन पे क्लिक करके सभी परमिशन आपको दे देनी होती हैं अलाउ करके, ठीक है, जैसे मेरे पहले से हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज यूज पे क्लिक करेंगे, क्लियर कैच करेंगे, क्लियर डाटा नहीं करेंगे। क्लियर डाटा करेंगे तो आपको फिर से इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट फिर से लिंक करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। नेक्स्ट शेडिंग क्या है, आप अपने फ़ोन नोटिफिकेशन आपको नीचे खींचेंगे, यहाँ पे आपको एक एरोप्लेन मोड मिलेगा या फ्लाइट मोड आपके फ़ोन में हो सकता है, उस पर आप एक बार टैप करेंगे, यहाँ पे आपका नेट डिस्कनेक्ट होगा, फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग क्या है, आपको सिंपल से अब जाना है अपने पेटीएम में। तो चलिए मैं पेटीएम पे क्लिक करता हूँ। पेटीएम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक बैलेंस चेक करना है, तो ऐड बैंक में यहाँ क्लिक करूँगा। अब यहाँ चेक बैलेंस में मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर मैं अपना एम पिन डाल देता हूँ। एम पिन डालने के बाद आप यहां देख सकते हैं मेरा बैंक बैलेंस यहां शो हो चुका है, मैंने ब्लर कर रखा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फ़ोन पे में से बैंक को रिमूव कीजिए और फिर से ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फिर भी सही हो जाती है। लेकिन ये शाम के टाइम ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती होगी, 2-3 घंटे 4 घंटे तक। उसका सुबह के टाइम या रात में 11-12 बजे सही हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बैंक क्लोज होती हैं ऑफलाइन वाली, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम देखने की मिलती होगी। अब ऑनलाइन ये काम है तो ऑनलाइन वाली बैंक काम करती हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सही हो जाता है, उसके बाद ही ये सर्वर डाउन हो जाता है बैंकों का थोड़ा, इसलिए, ठीक है। फिलहाल लेता हूँ इस वीडियो में, आपका कोई सुझाव हो, अगर सही नहीं हुई प्रॉब्लम, नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करके जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।